मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। तारीख को पुष्कर ब्यावर जो ट्रेन चलती है उसमें एक बुजुर्ग महिला जो सीनियर सिटीजन है वो यात्रा कर रही थी। उसमें कम सवारियां होती है तो एक डब्बे में वो अकेली थी, तो एक महिला की कपड़े पहने हुए किन्नर नुमा एक व्यक्ति उसमें चढ़ा और पहले तो उनसे पैसे मांगने लगा वृद्ध महिला से, और जब उन्होंने नहीं पैसे दिए तो वो उसको अकेली देख के पूरे डब्बे में और उनसे लूटपाट करने लग गया। महिला ने विरोध किया तो उसका उनके साथ मारपीट की और उनका पर्स छीन के ले गया जिसमें उनके 6,000 रुपये थे, और मदार स्टेशन पे नीचे उतर गया। हमें रिपोर्ट मिलने पे वो महिला का मेडिकल कराया उनको साथ लेके, और उस व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को, हमारी स्पेशल टीम ने बहुत मेहनत से पूरे शहर में छानबीन करके उसको अरेस्ट किया और अब उसको JC भिजवा दिया। वो व्यक्ति सादड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो किन्नर नहीं है, वो आदमी है और उसका नाम प्रवीण है वो, और भील है जाति से। वैसे वो भी आए दिन कहता है वो यहाँ महिला किन्नर के वेश में रेलों में और ऐसे मांगता रहता है, लेकिन इस तरह की वारदात हमारे सामने पहली बार ही आई है कि उसने नहीं देने पे उस अकेली औरत और वृद्ध होने का फायदा उठा के उसके साथ लूट कर ली और उसको चोटें पहुंचाई। हाँ, लूट में वो उसका आधार कार्ड और बटुआ और वो सब बरामद हुए उससे।